नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से। अब तो आप इतनी बार सुन सुन करके जान ही गए होंगे, जो मेरे YouTube के चैनल को कंटिन्यू देखते हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ और मैं राजस्थान के कौन से शहर से बोल रही हूँ और मेरा शहर कितना सुंदर है और कितना गुलाबी शहर है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो बात कर लेते हैं अपने वीडियो के ज़रिए कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करूंगी। तो मैं आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी करूंगी, तो बरसात के सीज़न की मैं आज पहली हार्वेस्टिंग करूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ज़रूर से वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी करें। तो क्या होता है ना कि लाइक करने से पता लगता है कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं तो पता लगता है कि हाँ आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ कैमरा चलता है, बाकी कोई भी हमारे आसपास नहीं होता है। दूर से मतलब देखती हुई नज़रें होती हैं जो अपने अपने छतों पर से हम लोगों को देखते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या करती हैं छत पर, टेरिस गार्डनिंग करती हैं। तो जब कोई भी नहीं होता है मतलब हमारे आसपास, तो सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा वीडियो शूट करना। और मतलब सोचिए कि बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसे कोरा ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसी तरीके से हम टेरिस गार्डनिंग करते हैं। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट्स और आप लोग के प्यार और जब हमारा वीडियो आप देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि आप हमसे प्यार करते हैं, और जब कमेंट्स करते हैं तो लगता है कि अपनापन है, और लाइक करते हैं तब लगता है कि हाँ हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आज आ गई छत के ऊपर और सबसे पहले करेंगे मतलब ढेर सारा काम करेंगे पहले और उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जो मैंने ये तुरई की बेल चढ़ाई थी ना, या मतलब प्रूनिंग करी थी, इसकी आगे वाली जो हेड होता है, मेन हिस्सा होता है, उसको मैंने प्रून कर दिया था। तो देखिए प्रून कर देने से क्या होता है ना कि इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है, और जब भी आप टेरिस गार्डनिंग करें तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे कंटेनर का साइज़ होता है ना थोड़ा छोटा होता है। ज़मीन में तो बहुत सारी ज़मीन होती है तो पौधे को क्या होता है ना अच्छी ग्रोथ मिलती रहती है, लेकिन जब हम टेरिस गार्डनिंग करते हैं या बहुत ही सीमित जगह में गार्डनिंग करते हैं तो आपको बेल वर्गीय सब्जियों का आपको बहुत ध्यान देना होता है कि आपको इसे बिल्कुल प्रून कर देना होता है। यानी कि जब इसमें 7 से 8 पत्ते आ जाए उस समय आपको इसकी प्रूनिंग करनी होती है। तो उससे क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती है, क्योंकि हमने उसका जो विकास की दर होती है वो उसी जगह रोक देते हैं, तो वहाँ उससे वो बढ़ना बंद हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी ब्रांचेज निकलने लगती है। तो दूसरी ब्रांचेज जब निकलने लगती है तो उसको भी हमें क्या होता है ना थोड़ा सा बढ़ने देना होता है। यानी कि कम से कम जब तक उसमें 7 से 8 पत्ते नहीं आ जाए तब तक हमें उसे भी बढ़ने देना होता है, और उसके बाद हमें उसकी फिर से एक बार प्रूनिंग करनी होती है। तो वो तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, ऐसे तो मैंने आपको अभी बता दिया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। तो अगर आपके बेल मतलब आपने एक बार प्रूनिंग कर दी है और दूसरी बार करना चाह रहे हैं तो आप जब 7 से 8 पत्ते आ जाएँ तो आप उस समय उसकी प्रूनिंग कर दें। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही कम जगह में और ग्रो बैग में अगर आप सब्जियाँ लगा रहे हैं तो आप अगर इस तरीके से प्रूनिंग करेंगे ना, तो बेलों की क्या होती है ना कि एक उम्र होती है, ये 40 से 45 दिन के अंदर हमको फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं। लास्ट उम्र होती है इनकी 60 या 65 दिन की, तो इतने दिन में हमें इनसे सब्जियां ले लेनी होती है। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, और जिस तरीके से मैं पौधों का निरीक्षण कर रही हूँ आप सेम इसी तरीके से पौधों का निरीक्षण करें। यानी कि घूम घूम करके देखें कि हमारे पौधों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन्हें आप जब आप क्योंकि आपको तो इस चीज़ का पता होगा और मुझे तो इस चीज़ का पता है, ऐसे कहते हैं कि पौधे हमको महसूस कर सकते हैं, हमको देख सकते हैं, हमको फील कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इनको दर्द नहीं होता जब हम इनकी कटिंग करते हैं या इनकी प्रूनिंग करते हैं तो इनको दर्द नहीं होता, बाकी इनको सभी चीज़ों का एहसास होता है। तो जब भी आप टेरेस गार्डन अगर आपके पास है तो आप कोशिश करें कि ज़रूर से आएं, रोज़ आएं, कम से कम दिन में एक बार तो मॉर्निंग में ज़रूर आएं, क्योंकि ये भी आपका इंतज़ार करते हैं।
तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि जो ये लाल वाली भाजी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो चुकी है इनकी, और मैं आज इसकी कटिंग करूंगी। तो मैं आज इसके लिए लेकर के आई हूँ कैंची, आप चाहे तो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो मैं इसे जड़ से बिल्कुल भी नहीं उखाड़ूंगी, मैं इसे इसी तरीके से कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से कटिंग करने से क्या होगा ना कि इसमें से दोबारा ब्रांचेस निकल जाएंगी और फिर हमें एक बार दोबारा से लाल भाजी खाने के लिए मिल जाएगी। तो मैं अब क्या करूंगी कि दूसरी जगह और कुछ बीज डालूंगी, क्योंकि एक बार लाल भाजी की जैसे आप कटिंग कर लेते हैं ना तो आपको ये 2 से 3 बार मिलती है, उसके बाद इसका जीवन काल पूरा हो जाता है। तो एक बार मैंने आज करी है, और बरसात के मौसम के कारण इतनी अच्छी लाल भाजी आई है कि आपने देखा ही होगा कि कितनी अच्छी है। और आज मैं करूंगी पौधों की भी हार्वेस्टिंग, मतलब सॉरी बैंगन की हार्वेस्टिंग करूंगी। तो आप देखिए कि बैंगन कैसे भर भर करके तोड़े हैं, देखने में आपको ये ज़्यादा पेड़ नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं तो अभी आप देखिएगा कि इनमें से कितने बैंगन निकलते हैं। और जो मैं आज ये बैंगन तोड़ूंगी, ये बैंगन मैं आज अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। जिनको मैंने पिछली बार दिया था वो लोग मतलब बार बार कह रहे हैं कि आप पिछली बार इस सीजन में तो आपने बैंगन दे दिए थे, मतलब उन लोगों ने इतना याद कर रखा है कि आपने पिछली बार इस सीजन में बैंगन दे दिए थे, आपके बैंगन आए नहीं क्या अभी तक। तो आज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बैंगन तोड़ूंगी। और हस्बैंड मेडिकल लाइन में है, तो उनके जो डॉक्टर हैं वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से हैं, और उनके जो डॉक्टर साहब हैं वो इतने मतलब इंडिया के टॉप लेवल पर उनके डॉक्टर की गिनती होती है, ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर हमेशा मतलब पिछली बार उनको भेजे थे कि आप ही, तो वो ऑर्गेनिक के नाम पर बोले आपकी वाइफ ऑर्गेनिक खेती करती है, मतलब ऑर्गेनिक टेरिस गार्डनिंग करती है। वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं कि उन्होंने परसों स्पेशली बोला है कि क्या हुआ आप बैंगन लेकर के नहीं आए, आपने पिछली बार बैंगन लौकी और करेला दिया था तो इस बार नहीं आए। तो बोले हाँ सर आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि आज तुम तोड़ करके रखना, मैं लेकर के जाऊँगा। तो सोचिए कि ऑर्गेनिक के प्रति लोगों का रुझान कितना होता है, और इतनी ज़्यादा उन लोगों को खुशी होती है, और मुझे मतलब उन लोगों को तो खा करके खुशी होती है और मुझे दे करके इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी जो ये मेहनत है इसके कद्रदान है, और लोगों को मैं ऑर्गेनिक के प्रति मतलब इंस्पायर कर सकूं, बता सकूं कि आप भी टेरिस गार्डनिंग कर सकते हैं, आप छोटे रूप में कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू में टेरिस गार्डनिंग शुरू करी थी, मैं मिट्टी लेकर के आती थी, तो लोग मुझे एक लेबर पर ऐसे समझते थे कि तो पागल है इसको, ये तो इसको कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे भी अदर स्टेट से आकर के यहाँ रह रहे हैं। तो आप जानते होंगे अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप अदर स्टेट से आकर के और दूसरे स्टेट में जब रहना शुरू करते हैं तो लोगों का नज़रिया आपके प्रति क्या होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है, और मैं राजस्थान में रहती हूँ और मैं प्रॉपर बिहार की हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या करती रहती हैं छत पर। और जब आप सब्जियाँ देखते हैं तो उन लोगों को ऐसे देख करके लगता है कि ओ आपकी इतनी मेहनत, आपने इतनी मेहनत करके सब्जियाँ उगा ली, मतलब ये मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि आज के वीडियो में सिर्फ बड़ाई थी, ये बिल्कुल भी बड़ाई नहीं है। तो आप भी कोशिश करिए, और मैं यही आपको बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के जरिए कि देखिए मैं अकेली औरत होकर के, और मेरे हस्बैंड शनिवार के दिन टाइम देते हैं गार्डन में, और बाकी सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक, और बीच में एक दिन रविवार, उस दिन भी मेरी ड्यूटी रहती है। तो आप देखिए कि मैं अकेली औरत होकर के मैंने कितनी अच्छी टेरिस गार्डनिंग कर रखी है। तो अगर आप भी फ्री हैं तो आप भी इसी के तरीके से अपनी टेरिस गार्डनिंग को करिए, और देखिए फाइनली जो आज सब्जियां हार्वेस्ट हुई है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि मैं अभी बताऊंगी कि कितने सारे बैंगन टूटे हैं, तो इतने बैंगन मैंने तोड़े हैं और इतने ही बैंगन मैंने अभी पेड़ों में रहने दिए हैं, क्योंकि जिन लोगों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से तोड़ तोड़ करके लोगों को देती जाती हूँ। तो बैंगन तो बढ़ चुके हैं, लाल भाजी मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।